शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य ने महानगर पालिका के सत्ता पक्ष पर कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बावजूद मनमानी करने का आरोप लगाकर शहरवासियों की जान खतरे में डालने का गंभीर आरोप लगाया। सत्ता पक्ष की बढ़ती मनमानी के चलते मनपा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। आइए फोन लाइन से सुनते हैं उनकी जुबानी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हमारे साथ में महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने मनपा को बर्खास्त करने की मांग क्यों की गई। आर्य साहब, क्या मेरी आप आवाज सुन रहे हो? हाँ जी जी। आर्य साहब, ये बताए कि जिस तरह से आपने सत्ता पक्ष पर तानाशाही का आरोप करते हुए मनपा को बर्खास्त करने की जो मांग की गई वो कितनी उचित है, क्या कहना चाहोगे, क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में आपकी? महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम जी मुंडे जब कोरोना महामारी की उनके पास जवाबदारी आई तो उसको वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे और उन्होंने जो महानगर पालिका का जो पैसा है उन्होंने बचाना शुरू किया। जैसे उसके पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्टेट का देख रहा था तो वो जो क्वारंटाइन पेशेंट थे उनको जो खाना देना था, दो टाइम की चाय, एक टाइम का नाश्ता, दो टाइम का खाना, वह उस समय 600 रुपए में आ रहा था। परंतु तुकाराम मुंडे के पास जब चार गया तो वही खाना उन्होंने 159 रुपए में उपलब्ध कराया, 441 रुपए महानगर पालिका के बचे। और इस तरह उन्होंने महानगर पालिका में जैसे 5 सुंदर हॉस्पिटल बनाए और 12 क्वारंटाइन सेंटर बनाए, उसमें मात्र 2.25 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और क्वारंटाइन जो टेस्ट हो रही थी उसके पर वो अलग से करवा रहे थे, यानी 2.25 करोड़ में कराए थे और जबकि शासन से 5.25 करोड़ रुपए आए थे। इसकी जगह और कोई आयुक्त रहता तो उसको वो 5 करोड़ रुपए और मांगा रहता था। परंतु ये इस तरीके से महानगर पालिका फायदा देखकर और कई लोगों की दुकानें बंद हो गई तो सत्ता पक्ष की नींद आराम हो गई और उन्होंने उनपे झूठे आरोप लगाना शुरू कर दी। इनके खिलाफ पुलिस थाने में कंप्लेन कराना, उनको मानसिक तरास देना, उनके कैरेक्टर पे आरोप लगाना, यह चीज जनता को बर्दाश्त नहीं हुई और कई लोगों के फोन आने लगे कि ये लोग क्यों चुप बैठे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि ये क्या तरीका है, जब वो व्यक्ति इतना पैसा बचा रहा है, महानगर पालिका का अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने 20 जून से लेकर 26 जून तक सदन चलाई, सभागृह चलाया और वहां पर इतने अच्छे आयुक्त को वहां पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने और महापौर वगैरह ने जो जिस प्रकार का टॉर्चर किया और नगर सेवकों ने सदन के अंदर सभागृह के अंदर उन्हें यानी अपशब्द कहे, अभी निकल, इस तरह की निचली स्तर पर जो भाषा का उपयोग किया उससे उन्होंने आयोग को डिस्टर्ब कर दिया और 6 दिन तक वो सभागृह में कोरोना के विषय पे तो चर्चा हुई नहीं। परंतु इस समय उन्होंने आयोग को ही टॉर्चर किया और उसके पहले उनके पास पुलिस कंप्लेंट ये लिखाना, तो 20-25 दिन उन्होंने आयोग को टॉर्चर करके उनका मानसिक स्थिति खराब कर दिया। और आप देखिए 19 मार्च से लेकर 19 जून तक जो कोरोना के पेशेंट थे, एक्टिव पेशेंट नागपुर शहर में 280 थे और 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और आज मेरे ख्याल से करीब एक्टिव पेशेंट मेरे ख्याल से 2,500 के आसपास है और 2,500 के अरे साहब ये बताइए आपके लगभग कितने करोड़ का घाटा मनपा के जो सत्ता पक्ष है उनके कारण होने की बात आप जो कर रहे, कितने करोड़ का घाटा हो सकता है मनपा को? नहीं देखिए, जो मनपा की जो आर्थिक स्थिति है आज की तारीख में बहुत बुरी है। जैसे पानी में इनको 140 करोड़ रुपए की इनकम होती है, हेलो, तो उसमें 100 करोड़ रुपए का घाटा है और प्रॉपर्टी टैक्स में हमको मात्र 280 करोड़ रुपए की आय हुई होती है साल में, पिछले साल में हुई। अब हमारे पास जो फिक्स खर्चा है प्रति महीने का वह 100 करोड़ के आसपास है और वो फिक्स यानी 20 करोड़ के आसपास की बात करने जा रहे हो, ठीक? हाँ ये तो है ही,
ये घाटा तो रह ही रहेगा, परंतु उसके पास जो कर्जा लिया हुआ है, दुनिया भर के लोन दिए, उनके इंटरेस्ट वगैरह कौन देगा? दुनिया भर की महानगर 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने हैं और 700 करोड़ रुपए, हेलो 700 करोड़ रुपए। हाँ अरे साहब, इस विषय को लेकर क्या आप सड़क पे उतरने वाले हो, जन आंदोलन करने वाले हो? हाँ, हमारा तो संघर्ष शुरू रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम छोड़ने वाले नहीं है। मैं तो ये पानी के लिए तो समझ लो 2011 से लड़ रहा हूँ, उस समय से, कि ये OCW कंपनी को जो ठेका लेंगे तो ये हमको 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष घाटा होगा। और वो मेरी बात आज सही निकली है, आप देख लीजिए उसका रिकॉर्ड कि 800 करोड़ रुपए घाटा हुआ, एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश आर्य साहब, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके थे। वेद प्रकाश आर्य जो महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि सत्ता पक्ष के गलत नीतियों के कारण मनपा को 320 करोड़ रुपए का घाटा होना लगभग तय है, और इस विषय को लेकर वे सड़क पर उतर कर जन आंदोलन भी करने वाले है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेद प्रकाश आर्य साहब, जो आपने बेहिचक और बखूबेर बेबाक के साथ इनबीसीएन के समक्ष बात की। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।